नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 5 ऐसे चमत्कारिक फायदों के बारे में जो कि आपके जीवन और आपके शरीर को पूरी तरह से बदल देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, संतुलित दोष। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और ये तीनों दोष अगर संतुलित रहते हैं तब हम लोग अपने जीवन में हर प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। वहीं पर इन तीनों दोष में से भी किसी के बढ़ने से हम लोग अपने जीवन में कई प्रकार की बीमारी और रोगों से घिर जाते हैं। इसी कारण से अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ऐसा करने से आपको संतुलित दोष होता है और वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही दोष संतुलित बने रहते हैं। नंबर 2, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने आप में बेहद ही सकारात्मक और शुद्ध वातावरण का होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे समय पर उठता है और इस वातावरण के आबो हवा को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति पूरे दिन पूरी तरह से सकारात्मक विचार और साथ ही साथ ऊर्जा से भरपूर रहता है। नंबर 3, दोस्तों जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ऐसे लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक होती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका चेहरा पूरी तरह से दिव्यता को प्राप्त करता है और आप लोगों के चेहरे की चमक दूसरे लोगों के मुकाबले बेहद ही अलग होती है। अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके बाल और चेहरे की चमक पहले के मुकाबले कई गुना धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। नंबर 4, दोस्तों अनिद्रा आजकल एक ऐसी समस्या है जिससे ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं। लोगों को रात में नींद नहीं आती और लोग रात में काफ़ी परेशान होने लगते हैं। उनकी आधी रात तो सिर्फ करवट बदल कर ही बीत जाती है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं तब आप लोग देखेंगे कि आपको रात्रि में समय से नींद आ जाएगी और आपका सर बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। नंबर 5, दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ी सी ध्यान साधना और प्राणायाम करते हैं तब आप लोग देखेंगे कि आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का हार्मोन का असंतुलन है तो वो असंतुलन अपने आप ही धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आपके शरीर में संतुलित हार्मोन का निर्माण होने लगेगा।